बैक टू माई चैनल। मेरे आज की वीडियो में मैं आपसे ये मेकअप लुक शेयर करने वाली हूँ और मैंने ये सारी प्रोडक्ट्स नायका से खरीदी है क्योंकि नायका पे अभी रिपब्लिक डे सेल स्टार्ट हुआ है तो हमें बहुत अच्छी अच्छी प्रोडक्ट्स बहुत ही ज्यादा डिस्काउंट में मिलने वाली है। तो आप भी एक बार जरूर चेक कीजिए नायका पे, आपको बहुत ही अच्छी अच्छी प्रोडक्ट्स मिलेगी बहुत ही अच्छे डिस्काउंट में। तो गाइज मैंने ये मेकअप लुक क्रिएट किया है, आई होप आपको ये लुक पसंद आया हो। तो गाइज वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ कि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइज ये दोनों बॉक्स में है मेरी सारी मेकअप प्रोडक्ट्स, तो चलिए मेकअप स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे प्राइमर से। तो यहाँ पे मैं पैक ब्रांड का प्राइमर यूज करूंगी। तो ये प्राइमर हमारे पोर्स को मिनिमाइज करता है और ये प्राइमर बहुत ही अच्छा है जिसकी स्किन बहुत ही ज़्यादा ऑयली हो और जिसे ओपन पोर्स की बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो तो आप ये प्राइमर एक बार डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं। इसे अप्लाई करने के बाद हमारी स्किन बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट फील करती है और ये हमारी स्किन में ईजिली ब्लेंड भी हो जाता है। उसके बाद मैं पैक का फाउंडेशन यूज़ करूँगी और इसका पैकेजिंग बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव है। ये फाउंडेशन मुझे मैक का फाउंडेशन से भी ज़्यादा पसंद आया। मेरे पास मैक का फाउंडेशन है, वो मेरा सबसे फेवरेट था, लेकिन ये फाउंडेशन मैंने जब से यूज़ किया है तो ये मेरा फेवरेट हो चुका है क्योंकि इसका जो टेक्सचर है वो बहुत ही स्मूथली हमारे फेस पर अप्लाई हो जाता है। इससे मैं नायका फाउंडेशन ब्रश की हेल्प से ब्लेंड करूँगी और ये मीडियम कवरेज देता है। अगर आपको इसका फुल कवरेज चाहिए तो आप इसके दो लेयर अप्लाई कर सकते हैं। और हाँ, इसमें बहुत ही ज़्यादा शेड अवेलेबल है जिससे आप आपकी स्किन टोन के हिसाब से शेड इजीली चूज कर सकते हो। और फाउंडेशन को नेक पे अप्लाई करना बिल्कुल भी नहीं भूलना चाहिए। अब मैं यूज़ करूँगी निक्स HD फोटोजेनिक कंसीलर। ये कंसीलर मेरे अंडर आई पे थोड़ा लाइट लग रहा है लेकिन इसे अच्छी तरह से ब्लेंड करने के बाद ये हमारे स्किन के साथ मैच हो जाता है और ये बहुत ही इजीली हमारे फिंगर की हेल्प से भी ब्लेंड हो जाता है तो स्पॉन्ज की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये एक अच्छा कवरेज भी देता है। और हाँ गाइज, ये जो नार्स कंसीलर है सेम उसके जैसा ही ये हमारे स्किन पे वर्क करता है। कंसीलर को सेट करने के लिए मैं भरत एंड टॉरेस का लूज पाउडर यूज़ करूँगी और उसके साथ जो स्पॉन्ज आता है उसकी हेल्प से मैं इसे अप्लाई करूँगी। मैं इसे पूरे फेस पर अप्लाई नहीं करूँगी, सिर्फ मैंने जहाँ पर कंसीलर अप्लाई किया है वहीं पे ही मैं इसे अप्लाई करूंगी क्योंकि ये फाउंडेशन अप्लाई करने के बाद हमें कॉम्पैक्ट पाउडर अप्लाई करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। आईब्रोज के लिए मैं डेबरा मिलानो की आईब्रो किट यूज़ करूंगी। पहले मैं स्पूली की हेल्प से हेयर को अच्छी तरह से सेट कर लूंगी, उसके बाद नायका आईब्रो ब्रश की हेल्प से आईब्रो को एक अच्छा सा शेप दे दूंगी। ये आईब्रो का शेड भी इंडियन स्किन के लिए परफेक्ट है। अब मैं यूज़ करूंगी फ्रीडम प्रो आई शेडो पैलेट। इसमें से ये जो डार्क मरून शेड है इसे मैं क्रीज लाइन पे अप्लाई करूंगी और इसे अप्लाई करने के लिए मैं नायका आई शेडो ब्रश यूज़ करूंगी। तो यहाँ पे मैं पिंक कलर इसीलिए यूज़ करूंगी क्योंकि मेरा जो लहंगे का दुपट्टा है वो पिंक कलर का है और मेरी जो चोली है वो भी पिंक कलर की है तो उसके साथ ये अच्छी तरह से मैचिंग हो जाएगा। आपका जो भी कलर का लहंगा हो इसका मैचिंग आप आई शेडो यूज़ कर सकते हैं। और सेम पिंक शेड को मैं लोअर लैश लाइन पे भी अप्लाई कर लूँगी। उसके बाद ये पिंक शेड को मैं क्लीन ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से ब्लेंड करूँगी ताकि हमारी क्रीज लाइन पे कोई हार्श लाइन ना दिखे। उसके बाद ये जो ग्रीन शेड है उसे मैं आईलिड पे अप्लाई कर लूँगी। तो ये आई शेडो में सारे शेड बहुत ही ज़्यादा पिगमेंटेड है तो ये आई शेडो पैलेट भी एक बार ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। ये आई शेडो पैलेट में भी बहुत सारे शेड अवेलेबल है तो थोड़ा सा मैं पिंक शेड क्लीन ब्रश के अंदर लेके अच्छी तरह से फिर से ब्लेंड कर लूँगी। अब मैं लैक्मे एब्सोल्यूट ग्लॉस आर्टिस्ट आईलाइनर यूज़ करूँगी और इसमें मेरा शेड है ब्लैक। अगर मेरा आईलाइनर का पूरा सेपरेट वीडियो आपको देखना है तो मैंने ऑलरेडी मेरे चैनल पे अपलोड किया है। अब मैं वेगा आई ग्लैम ब्लैक काजल यूज़ करूँगी, इसे मैं वाटर लाइन पे अप्लाई करूँगी। ये हमारे आईज पे 4 से 5 आवर्स तक आराम से रहती है और ये स्मच प्रूफ है तो मुझे तो ये काजल बहुत ही ज़्यादा पसंद आई। अब मैं डेबरा का मस्करा यूज़ करूँगी। ये मस्करा भी हमारे आईलैश को एक अच्छा सा वॉल्यूम देता है और हमारे जो आईलैश है उसे अच्छी तरह से कर्ल भी करता है।
अब मैं लॉरियल का ग्लैम ब्रॉन्जर यूज करूंगी। इसे मैं नायका कॉन्टूर ब्रश की हेल्प से ब्लेंड कर लूंगी। अब मैं फेसेस कैनेडा का ये ग्लैमॉन ब्लश यूज करूंगी। इसे मैं चीक पे अप्लाई करूंगी। ये मैं नायका ब्लश ब्रश की हेल्प से इसे ब्लेंड कर लूंगी। ये ब्लश भी हमारे स्किन पे बहुत ही नेचुरल लगता है और इसमें भी बहुत सारे शेड अवेलेबल है, तो आपके स्किन टोन के हिसाब से आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। अब मैं नायका ग्लो ग्लिटर हाइलाइटर यूज करूंगी। तो ये हाइलाइटर का शेड इंडियन स्किन के लिए परफेक्ट शेड है। तो ये हाइलाइटर में दूसरा भी शेड अवेलेबल है, लेकिन ये वाला जो शेड है वो मेरी स्किन टोन पे बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो इसे मैं चीक बोन पे, नोज पे, फोरहेड पे, चिन पे अप्लाई करूंगी और साथ में मैं इसे ब्रो बोन पे भी अप्लाई करूंगी और आईज के इनर कॉर्नर पे भी अप्लाई कर लूंगी। अब मैं वेट एंड वाइल्ड की लिप लाइनर अप्लाई करूंगी। तो ये लाइनर भी बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल है और इसमें भी बहुत सारे शेड अवेलेबल है। लास्ट में मैं सुगर मैटर्स हेल्थ क्रेयॉन लिपस्टिक यूज करूंगी और ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा पिंक शेड है जो मेरे दुपट्टे और चोली के साथ अच्छी तरह से मैचिंग हो रहा है। तो गाइस, ये है मेरा फाइनल लुक। आई होप आपको ये लुक पसंद आया हो। तो प्लीज जल्दी से एक लाइक कर लीजिए और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और हाँ, अभी वीडियो खत्म नहीं हुआ है, अभी तो ब्लूपर्स देखना बाकी है। मैं आपसे ये मेकअप लुक शेयर करने वाली हूँ और ये लुक मैंने नाइक यार तुम्हें तो मैंने के भी नहीं दर वार बराबर नहीं चपटा छे बराबर अच्छा है तो अत्यार में कोई ना अच्छा मन तो बराबर लगता था। आज की वीडियो में मैं आपसे ये मेकअप लुक शेयर करने वाली हूँ और मैंने ये लुक क्रिएट किया है मेकअप से। तो ये मेकअप मैंने खरीदी है नायका से। चल वन टाइम अवश्य लास्ट। हाय गाइस, करने बहुत है यू, कितनी बार कर है, अगर थी कट कर लेने हारो चल फ्रस्ट्रेट थे जाए। अरे ओनी मरा बस। हाय गाइस, आई एम रिंकल एंड वेलकम। आम नहीं कर, आम बहुत है यू, थोड़ा कम बीजू कर दे, बीजू कहीं कर दे, बीजी कोई रीते इंट्रो आप दे, मैं जूम इन करूँ। चल चालू कर। ज़ूम इन क्या? तो चालू कर नहीं।